नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। भारत के लिए, खासकर सरकार भारत सरकार के लिए और सीमा मीना के लिए भी खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान की माननीय अदालत में पाकिस्तान सरकार के लर्नर्ड एडवोकेट ने भी इस बात को माना है, स्वीकार किया है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत पाकिस्तान में अनधिकृत रूप से ही है और कानूनी रूप से भी इस बात पर काफी डिस्कशन हुआ पाकिस्तान की माननीय अदालत ने। तो बड़े गर्व की बात है जिस बात को भारत सरकार कहती है, जिस बात को सीमा लगातार कह रही है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि जब ये बंटवारा हुआ था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के दयालुता उदारता की वजह से ऐसा हुआ। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होता। हमारा भारत का अभिन्न हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर जो आजकल कहलाता वो नहीं होता। लेकिन भारत सरकार इस बात को कह रही कि हम शीघ्र पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत मिलेंगे और अब कानूनी रूप से अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला की बात है तो वहां भी सपोर्ट भारत को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की माननीय अदालत में पाकिस्तान सरकार के लर्नर एडवोकेट इस बात को कह चुके हैं, साफ तौर पर कह चुके हैं, स्पष्ट रूप से कह दिया उन्होंने कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का नहीं हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं है अधिकृत रूप से। और इस बात पर माननीय अदालत ने भी सहमति जारी की कि फिर वहां पर जो रेंजर्स पहुंचते हैं, इस तरह से पहुंचते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी कार्रवाई होती है वो गलत है, और इसी वजह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो नागरिक हैं, जो रहने वाले हैं, शहरी हैं, निवासी हैं, वो लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि हम भाई भारत के साथ जाना है, हमें भारत के साथ मिलना है, हमें भारत के साथ हटाइए, हमें पाकिस्तान की सरकार, हमें पाकिस्तान का नियंत्रण, हमें पाकिस्तान की कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। तो एक बड़ी खुशखबरी की बात है भारत के लिए भी, भारत के निवासियों के लिए भी और सीमा सचिव मीना के लिए।